भोपाल नगर निगम के कमिश्नर द्वारा 1 मई 2022 से भोपाल के कई महत्वपूर्ण बड़े बाजारों के स्थलों की पार्किंग शुल्क फ्री कर दी गई है। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की समस्त कार्यकारिणी और भोपाल के समस्त व्यापारी समाज की ओर से राज्य शासन, स्थानीय प्रशासन एवं कमिश्नर भोपाल आभार माना है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा मई 1, 2022 से नया पार्किंग पॉलिसी लाया जा रहा है। इसमें मई 1, 2022 से जो निर्धारित पार्किंग स्थल है ऑलमोस्ट 50 के आसपास है, उनमें किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। मात्र मल्टीलेवल पार्किंग एवं प्रीमियर पार्किंग जो न्यू मार्केट के पास चिन्हित किया गया है, उन्हीं में पार्किंग शुल्क लगेगा। बाकी सभी स्थानों पर कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। ये भी स्पष्ट है कि निगम डायरेक्टली जो नवीन गाड़ियाँ मई 1, 2022 से खरीदेंगे, डीलर से राशि ले लेंगे। नया कस्टमर डीलर को राशि पेमेंट करेंगे जो लाइफ टाइम चार्जेस कहलाएंगे, और वो लाइफ टाइम चार्जेस डीलर नगर निगम भोपाल को डायरेक्टली देंगे। इसमें एक और मेजर बदलाव है कि जो पुरानी गाड़ियाँ ऑलरेडी जो रोड पर है, उनसे किसी प्रकार का इन स्थानों पर खड़ा करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पुराने स्थानों पर कई जगह पर दुर्व्यवहार का, अधिक राशि लेने का शिकायत है, तो सभी नागरिकों से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्थान मतलब ऑलमोस्ट 45-50 है जिनमें चार्ज लिया जाता था, उस स्थानों पर मई 1, 2022 से किसी प्रकार का चार्ज किसी को नहीं देंगे। लेकिन ये भी सावधान रखेंगे, जो पार्किंग के लिए निर्धारित नहीं है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, उस प्रकार का स्थानों में गाड़ियां खड़ा नहीं करेंगे। जो पार्किंग के लिए निर्धारित है उसी स्थान में खड़ा कर सकते हैं, निःशुल्क है। और मल्टी लेवल पार्किंग या प्रीमियर पार्किंग जहाँ सेपरेटली चिन्हित है, उधर चार्जेस अप्लीकेबल है। मैं सभी नागरिकों से अपील कर रहा हूँ कि इस पॉलिसी में नगर निगम सहयोग करेंगे। ये आसानी से वन टाइम चार्ज लेते हुए हर दिन का जो कलेक्शन है उसे मुक्ति देने के लिए बहुत मददगार होगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।